देखो आज 6 है कि 7 तारीख है, भगवान जाने आज बुधवार है, हैं कोई पागल आके बैठ गया है। मैं बुखार में हूँ फिर भी हमसे नहीं रहा गया, तो हम कैमरा लेके आए हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो आदमी आ रहा है अभी डंडा लेके इसको भगा रहा था, डंडा दिखा करके, ये देखो इधर आओ, इसको भगा रहे थे क्या, काहे भगा रहे थे? अरे कहे उधर जाओ तो इधर घर के सामने अच्छा लगता बैठने में। नहीं आ? उसको सहारा दे के वहाँ किनारे कर दो, तुमको मालूम है कि वो आदमी जा नहीं सकता है, मालूम है ना? अगर ये सुनो उसकी जगह तुम होते तब क्या होता, इसको बेटा सहारा दे दो जाके आदमी बन जाओ। कुछ खाओगे? कुछ खाना है? ये हिंदुस्तान है देखो, फलाने धमाके हैं, यह है सरकारी व्यवस्था, चाइना की लड़ाई या पाकिस्तान की लड़ाई, अरे इंसान कहाँ है दुनिया में, हमारा बस चले पूरी सृष्टि को विध्वंस करवा दो, मारो एक तरफ से, इंसान है कहाँ हमारे समाज में हैं? अरे कम से कम विदेश में आपको ये सीन नहीं देखने को मिलेगा। तुम्हारा अंगूठा सड़ गया था, तुम वही तो हो, ये तुम्हारा जो पैर सड़ अंगूठा सड़ गया था, अस्पताल में जिसको भर्ती कराया गया था, और शाहरुख खान समाज सेवी, देखते जाइए आप समाज सेवी शाहरुख खान, इस वीडियो को देख के मुझे बताओ, मैं तो आज 5 दिनों से बुखार में पड़ा हूँ, वो मेरा चेहरा बता रहा है, बुखार की हालत में मैं घर से कैमरा लेके आया हूँ, ये वही पागल है, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री में जितने मंत्री लोग हैं आप, ये क्या हो रहा है देखो, इधर ये वही पागल है जिसके पैर अंगूठा सड़ गया था, और अस्पताल में शाहरुख खान भर्ती करवा दिए, इलाज पैर का, पैर क्यों सूखा और कोई रोग पकड़े है, अरे इसको कहीं पागल खाने में, इसको अच्छी जगह भेजो, हैं इसी वीडियो को मैं अभी अभी डालता हूँ, अभी इसको भेजो, वो आदमी था कहेंगे देखा ना, अभी मैं इसको भगा रहा था, हमारे भतीजे साहब इसको डंडा लाठी लेके दिखाए, अरे उसको हाथ पकड़ के वहाँ किनारे करो, अभी हम लोगों को हम आवाज़ देते हैं, अगर आशीषानंद आ गए तो हम इसको क्या है, हम वहाँ बैठा भी देंगे तो क्या होगा, है इसको कोई पूछने वाला? यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा महान देश है, हैं हमने तो वो कुर्बानी किया है ना, वर्ल्ड में एक आदमी दिखाओ करो हमारे मुकाबले, वरना चूल्हे भर पानी में डूब मरो, मैंने वो कुर्बानी दिया है, देखो आकर के बचपन से बुढ़ापे तक यही काम किया है, कहीं गाय कहीं कुत्ता कहीं ये, अब एक आदमी भी हमारे सामने आ गया, जितने मंदिर में जाने वाले हो पूजा करने कोई घर बाकी नहीं जाओ भगवान की फोटो ना टंगा हो, हैं बहुत कहेंगे जब कुत्ते टाइप के तो अपना कर्म दंड भोग रहा है, अच्छा ये वही लड़का है जिसकी वीडियो मैंने बना के डाल दिया था, वो अस्पताल से निकल आया होगा, अस्पताल वाले खुद भगा दिए होंगे, मैं अभी अभी शाहरुख खान को फ़ोन करता हूँ, अरे भैया ये क्या नाटक हो रहा है, हैं अपनी जिम्मेदारी कोई काम करो उसको निभाओ, जैसे गाय हमने निभाई, मार्च 2017 से गाय मेरी यहाँ थी, मार्च 2017 से, और अभी वो मंगलवार को यानी कल वो मरी है, तब तक मैंने झेला सेवा किया, हजारों रुपए खर्चा किया, सबका प्रमाण है मेरे पास, कोई काम करो निभाओ, इसको कैसे बचाया जाए, तो अभी हम इसको फ़ोन कर रहे हैं कुछ लोगों को, आशीषानंद को, भुवन को तो मैं फोन भूल के नहीं करूँगा, देखो इंसान की हालत, ये सड़कों पर इंसान, ये देखिए मियाँ जी हैं कबाड़ बेचने वाले, किसी आदमी में हमदर्दी नहीं, नहीं नहीं, अगर देखे तो श्याम साधु, सुअर के घाव है तो श्याम साधु, गधा घोड़ा सड़ रहा है तो श्याम साधु, अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, धर्म कर्म की बातें करने वालों शर्म करो,
हम ये दिखा करके हम तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं, हम तुमसे कोई आदम क्यों नहीं करें, हमारी मदद करो, हमारी पूजा करो, केवल मैं ये कहता हूँ इंसान बनो। देखिए यहीं पर अभी अभी कल गाय लटके गई है, अब इसमें ताला लगा दिया ताकि रात में कोई घुस के सामान वामान ना उठा ले जाए। अभी तक उस गाय के देखिए गीले गीले सब यहाँ यहीं पली थी, तमाम गद्दियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसको कहते हैं कोई करो, पूरी पूरा मन लगा के करो, फॉर्मेलिटी मत करो। अभी हम शाहरुख खान को फ़ोन करते हैं, हम क्या अब भगवान की मर्ज़ी देखिए, ये पागल मेरे ही दरवाजे क्यों आया, अब किसी तरह चलता है फिरता है, अब पता नहीं कौन ही। उस समय जब ये अस्पताल में बड़ा चैतन्य था, हाँ लो आए, अच्छा अच्छा देख रहे, लो इसको कैमरे को मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ हाँ नमस्कार, अच्छा 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 जी 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 मैं ये चाहता हूँ कि हमें कोई सहयोग न दे करके, हम सहयोग उन्हीं से लेते हैं जिनके पास पैसे रखने की जगह ना हो, ठीक, उन्हीं से मैं लेता हूँ। और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपने हमको फ़ोन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी एक पागल लड़का है जिसका हमने वीडियो बना के भेजा था, यहाँ के वो नाटककारों ने जो भी किया हो उसको हॉस्पिटल में जब लगा दिया, आज वो हॉस्पिटल से निकल करके और उसकी पहले से कई गुना ज़्यादा हालत कंडीशन उसकी ख़राब है। उस समय वो चैतन्य था, इस समय वो बोल वही लड़का है जिसका पैर सड़ गया था और डॉक्टरों ने ये किया वो किया और शाहरुख खान उसको एडमिट कराए। अभी मैं शाहरुख खान को फ़ोन कर रहा हूँ, समाज सेवी हैं कि महाराज कोई काम करो पूरी तरीके से करो, ठीक, या मत करो। और मैं ये आप अच्छा है, हम वीडियो के सामने आपसे बात कर रहे हैं, आप अपना कृपया नाम बतावें। विनय पांडे, अच्छा अच्छा खैर चलिए, हम भी मिश्रा हैं तो आपने आपने किया जी 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 हाँ। अब नंबर हम देखिए, अब हम हमको याद आ गया, हर वीडियो में अपना मैं नंबर बोलूँगा, अब बहुत लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अभी मैं आपसे पांडे जी, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ इस समय मेरे हाथ में कैमरा है, उस पागल के लिए मैं बना रहा हूँ और अभी अभी मैं डलवाऊँगा वो, कल सुबह आप देखिएगा। आप फिर से अपना नाम बोलिए, विनय पांडे, खैर बड़ी खुशी की बात है। तो आप ऐसे ही धर्म कर्म का प्रचार कहीं पर्चे छपवा दीजिए, असली धर्म क्या है। अरे पांडे जी, हमको भगवान ने इसीलिए भेजा है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ जी 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 अब देखिए नहीं, हम इस कमीने समाज से मैं ये जानना चाहता हूँ, हमें जवाब दो। ये पागल लड़का जो है, ये जब आज से 10 दिन पहले हमने इसका बनवा पैर सड़ गया था, अभी आप देख रहे हैं पैर तो मक्खियाँ लग रही हैं और ये बोतल लेके पता नहीं अस्पताल वालों ने क्या किया, इसकी किडनी निकाल लिया है किसकी क्या किया है भगवान जाने, और जगह जगह इसके घाव चोट, अब ये सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है। ये रायबरेली का कचहरी रोड आप देख रहे हैं, ये सब पूरा दुर्गा मार्केट का बैक साइड है, वो मेरा घर है, ये पुरानी हवेली जो है
पीछे हमारे खानदानी है वो भी मर गए हैं सब, पूरा गिरवा करके उल्टा सीधा बनवा दिया है, वो तो एक अलग की बात है। अब इस लड़के के लिए बताइए, तो अभी मैं एक दो लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ कि भैया इसको ले जाओ, और हम मोदी और ये योगी जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, योगी जी तत्काल 24 घंटे में अगर गो हत्या रोक आप रुकवा सकते हैं तो 24 घंटे में आप आदेश करें। अगर वाकई अगर भारत को आप सही रूप में देखना चाहते हैं, 24 घंटे में आर्डर करें कि जितने पागल ये रायबली का एक ही पागल है शहर के अंदर, इसको तत्काल इसको पुलिस वाले आवें ले जाएं और सबकी वीडियो बने, सबकी वीडियो होनी चाहिए। अभी पेशाब के नली पली कहाँ से इसके निकल आए, अच्छा खासा लड़का खा रहा था, तंदुरुस्त रहा, ये अस्पताल में सब गड़बड़ी हुई है, जो अच्छा हुआ जो पहले का मैंने वीडियो बना लिया था, अच्छा हुआ था। बदबू आ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ठीक है। तो अभी आपको हमें अभी आपको ऐसा पांडे जी वीडियो आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और उस भयानक दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ। इस कमीने समाज से मैं ये जानना चाहता हूँ कि गधा श्याम साधु घोड़ा मर रहा है, घोड़ा सड़ रहा है, सड़े घाव वाले मैं लाता हूँ, गधा घोड़ा कुत्ता सुअर सब जगह श्याम साधु है। अब एक इंसान का लड़का है बताइए, और एकदम कमज़ोर हो गया है, अच्छा खासा रहा, ये लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं अस्पताल में, अब बताइए प्रसाद में नली लगी है क्या लगा है, वो अंगा रहा है, अब हम समाज सीधे तो कहेंगे तो फिर अस्पताल में डाल देंगे जा करके। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, आज चौथा दिन है बल्कि पांचवा दिन है मैं बुखार में पड़ा हूँ, हमको वही वायरल फीवर है, और ये एक हफ्ता बिना पहले जाने वाला नहीं, खाना पीना मैंने बंद कर रखा है। तो अभी समाज सेवियों को मैं फ़ोन करूँगा, यही हमारे भतीजे साहब हैं, अभी डंडा उसको डंडा दिखाए कि उठ भाग जाए। अरे बाबा वो भागने के कंडीशन में हो तब तो पागल तो हैं। तो अभी हम कैमरे को बंद करके और एक घंटे दो घंटे में इस वीडियो को मैं इसमें डलवाऊँगा, और आप ये बताइए आप व्हाट्सएप पर भी हैं, अच्छा तो व्हाट्सएप नंबर हमको बता दीजिए, अच्छा यही है, अच्छा यही नंबर है जी, ये नहीं देखिए आए, हाँ जी, अरे पांडे जी ब्राह्मण होने का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, ज्ञान, आपके पास ज्ञान, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अकलेट कपलेट ममलेट और दारू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको तो जहर खा लेना चाहिए। कहे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान देना, ब्राह्मण कोई जात नहीं है, जो ज्ञान दे वही ब्राह्मण है, ठीक। अब देखिए अचानक आपका फ़ोन आ गया है, मैं आपसे बातचीत किए हैं, और जी, और एक वीडियो जो है आप हमारा मई 17 का ज़रूर आप देखिए, ठीक, मई 17 का जो है उसको देखिए। और अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम अभी कैमरे को रखते हैं, और बस ऐसे ही आप अपना संपर्क बना के रखिए, अंधे समाज का एक नमूना आपको देखना है, तो मई 17 का बंदरों के सामने लड्डू पड़ा है, बंदर लड्डू छूता है और फेंक देता है और सूखी रोटी खा रहा है, यही समाज को मैंने दिखाया है, फिर भी यह अंधा कमीना समाज नहीं समझ रहा है। हाँ जी, तो हम रखते हैं, ठीक, अच्छी बात, ठीक, जी, नहीं, आप हमें जो आवश्यकता होगी हम आपको पुनः बताएंगे, आप हमारे एक तरीके से परिवार के आदमी हैं, तो परिवार में संकोच किसी बात का नहीं करना चाहिए,
बस इस बात का थोड़ा प्रचार करो, चैलेंज करो, आखिर क्या कारण है कि यहाँ है जी 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 असली असली धर्म क्या है ये लोग जाने, बहुत 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 ढोलक मजीरा और मंदिर जा सके, एक से एक बेवकूफ सोने की है। नहीं, मैंने लोगों से यही पूछा कि एक बार बताओ ये हनुमान जी को जो जितने इंडिया में मंदिर हैं हनुमान जी के, इनको किसने बनाया है? लोगों ने कहा मनुष्यों ने बनाया है। हम कहा अच्छा, तो आपके हमारे बनाए हनुमान जी हो गए और आप देसी घी के लड्डू खिलाने लगे और वो लड्डू खाते नहीं हैं। अच्छा एक बार बताओ मनुष्यों, ये हनुमान जी की जो मूरत तुमने बनाई है वो किसको देख के बनाया है? तो कहें बंदर को देख के बनाया है। तो अरे हम कहा मूर्ख, जब बंदर को देख के तुमने मूरत बनाई है तो पत्थर और मूरत की क्या जरूरत, पहले तू बंदर के सेवा कर जा करके। बंदर की सेवा अगर कर, बंदर को एक मुट्ठी दे दे, मैं नहीं कहता हूँ जो गरीब आदमी है आधी एक आधी रोटी दे, आज के ज़माने में इतना कोई फटीचर नहीं है कि एक आधी रोटी बंदर को नहीं दे सकता है, तो आधी रोटी दे दे जा करके, वो मानो हनुमान जी ने खा लिया। अब पांडे जी अंत में वीडियो लंबी हो रही है, एक सेकंड और मैं बोलूँगा कि आपके फ़ोटो आप मैं मंगा के और यहाँ मैं डीजे लगवा करके मैं भोज भंडारा करूँ डीजे बजा बजा करके, और आपके नाटी छोटे छोटे बच्चे आपके भाई आवें और आ करके कहें बाबा बाबा, भाई उनको भरोसा है ना कि बाबा तो हमारे पापा का आदमी है, हैं अब वो आवें और हमसे खाना पीना मांगे और उनको हम डंडा दिखावें, तो आज के समाज में पांडे जी मेरा कमीना समाज यही कर रहा है, समझ गए? उस पागल को हमारे भतीजे साहब पहले तो निकाले डंडा, मैंने यहीं देखा, हमने कहा डंडा काहे निकाल के दिखाए कि उसको भगा रहे हैं। फिर उनका नौकर जिससे मैंने खुद बात किया, कहें और क्या इस हालत में इसको कहीं दरवाजे पर, अरे हम कहा यार तुम इसकी जगह होते वो पागल है वो नहीं समझ रहा है, हैं तुम इस तुम्हारे दरवाजे है, इसको कहाँ हाथ लगा के या तो अस्पताल ले जाओ, नहीं उसको पुलिया के किनारे बैठा दो, उसको खाने पीने को पूछो, इसकी जो है अस्पताल में कुछ किडनी पिडनी जहाँ तक निकाल ली गई है, ठीक। और पहले की वीडियो में यही लड़का, एक हफ्ते पहले आप हमारे वीडियो में देखेंगे, ये लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त एकदम चैतन्य रहा, आज ये लड़का बिल्कुल मरे हाल में है, योगी जी जांच करवाइए वरना हम अनशन बैठ जाएंगे, ये जांच होनी चाहिए अस्पताल में। सुनिए अस्पताल में इसका पैर सड़ा था, आए तो अस्पताल में पैर सड़ा जो था वो ठीक हो जाता, ये नली और पेशाब ये क्या चक्कर चल गया भाई, इसके मतलब कोई बहुत बड़ी कमी भाई है, इसकी जांच करवाइए आप, ठीक। तो मैं रख रहा हूँ पांडे जी, अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ जो यहाँ के बड़े बड़े वोट लेने वाले, या देखिए एक आदमी उनका नौकर आया वो भी उसको भगा रहा है, वो देखते जाइए आप, इस लड़के का नाम है बजरंग, नहीं, देखिए एक मिनट, वो सामने भगा रहा है, ज़रा इसको भी सुन लें, एक मिनट, वीडियो लंबी होगी तो होने दो, ज़रा आँखें खोलो दुनिया वालों, अरे यही का अब हम करीब पहुँचे तो बताओ, मैं सुनो यही का इससे बोल रहे हैं आदमी से, ऐसा है जिसको पकड़ के कहीं छहरे में किनारे बेटा बैठा दो, नहीं अच्छा सुनो इसको बैठा दो, अभी हम फ़ोन करने जा रहे हैं, हम तो बड़े बीमार चल रहे हैं, गाय गधा घोड़ा कुत्ता सुअर के मैं इलाज करता हूँ कि नहीं करता? हाँ वो तो करते हो, हम भी मानते हैं आप। अच्छा सुनो, और बचपन से तुम देख रहे हो? हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, जब से पैदा हुए हो, है ना, कोई झूठी बात तो है नहीं। अब एक बात बताओ बेटा, अब ये काम मनई हम का अब हम मनई देखी तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोग मर गए हैं का है, सबको आना चाहिए ना, तो बेटा इसको किसी तरह से वहाँ किनारे बैठा दो, और अरे पहले बहुत ठीक रहा, ये कोई अस्पताल में खुराफा जिसके साथ हुआ है,
पैर इसका सड़ गया था, अब ठीक हो। ये नली उली कहाँ से आ गई, ये नंगा काहे घूम रहा है? हमको लगता है किडनी पिडनी निकाली गई है इसकी। हम देखिए, इसीलिए हम वीडियो बना के हम अभी अभी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर कि उसको बेटा कहीं किनारे कर देना, ठीक, और एक कुछ खाना पीना अगर ले तो हमसे लेके इसको दे देना। और तुमरे का हुआ दौड़ा पड़ी जाते हैं, समझ गए, ऐसे ही सेवा करोगे बेटा ठीक हो जाओगे। चलें, अब रख रहे हैं पांडे जी, आपने हमने हाँ जी 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 अभी अभी ऐसा है पांडे जी कि अभी आशीषानंद हमारा जो शिष्य आवेगा उससे मैं इसको डालूँगा। है, मैं इस कमीने समाज से जानना चाहता हूँ कि बताइए मैं है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अरे जी नहीं नहीं, अरे पांडे जी आप हमारे परिवार के हैं, हमको कोई ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात को आपसे कहूँगा, समझ गए? और हैं तो जी जी नहीं नहीं बस बिल्कुल, ओफो आप अरबपति नहीं हैं, आप अरबपति खरबपति करोड़पति लखपति अगर नहीं हैं तभी आप मनुष्य हैं। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति थी, मैंने सब ठोकर मारा, जो कुछ था बेटी को दिया, क्योंकि बेटी बेटियां हमसे ज़्यादा काम कर रही हैं, और इस समय हमारी बेटी यहाँ होती तो कोई ना कोई हम व्यवस्था करवाते। अब हम यहाँ के ज़रा समाज से, अच्छा हुआ बड़े मौके से आपका फ़ोन आ गया, और इस सीन को मैं अभी आशीषानंद को बुला के मैं डलवाता हूँ, ठीक ये बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल साहब, तब ये अरे कम बोलो, ऐसा बोलो कि लोगों की बोलती बंद हो जाए। आज श्याम साधु वर्ड से क्वेश्चन कर रहा है, आप किसी धर्म के हों किसी मजहब के हों, श्याम साधु के बातों का जवाब दो अगर इंसान हो तो। अगर आँखों का पानी दुनिया वालों, आँखों का पानी मर गया है, अगर तुम रावण के वंशी हो, तुम रावण की औलाद हो, तो श्याम साधु को जवाब मत देना। अगर इंसान हो, अगर मनुष्य हो, तो श्याम साधु को जवाब दो। श्याम साधु ने 70 तब पूरी जिंदगी बस यही इंसान और नहीं है। और पांडे जी गीता में लिखा हुआ है कि गीता में साफ साफ लिखा है कि प्राणी मात्र में जो मनुष्य अपने आप को देखता हो वही योगी है, वही महात्मा है, वही महात्मा है जो प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो। तो मैं रख रहा हूँ क्योंकि वो पागल की हालत गड़बड़ है। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो, बिल्कुल 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 जी जी जी, बस बस आप केवल प्रचार करें पांडे जी, आपकी ड्यूटी है। भगवान के यहाँ आपसे भी पूछा जाएगा कि अगर आप नहीं सक्षम थे तो कम से कम बोल तो सकते थे, तो अच्छी बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, रखते हैं। जय हो जय हो जय हो।